आज आपको दिखाने वाला हूँ राम राज्य से लेकर अंग्रेजों के जमाने और मुगल शासक तक के सिक्के, जिसकी बाजारों में एक सिक्के की कीमत 1 लाख से लेकर 5 लाख तक होने वाली है। और एक सिक्के की कीमत में आपके घर में अच्छे से अच्छी गाड़ी खड़ी हो सकती है। टीपू सुल्तान का है, टीपू सुल्तान का, ये छत्रपति शिवाजी की मोहर है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम में। मतलब हरिद्वार में घूमते हमें यहाँ पे एक अंकल जी मिले हैं जो बहुत ही पुराने पुराने सिक्के बेचे हैं। तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। स्वतंत्रता सेनानी होते वे पतंग मिलते थे जो जी। ये 1950 का है। कॉइन का रेट है 1200 रुपए। तो बहुत महंगे बिकते होंगे आज के टाइम में। हाँ जी। तो आप कितने दुर्लभ है ये? मेरे पास मुगलों के पैसा है, मुगलों के टाइम का है, अंग्रेजों के टाइम का पैसा है। एक ये जॉर्ज किंग है। जॉर्ज किंग। और एक कितने कितने पुराने? ये 1901 से लेके 1877 तक के हैं। ये क्या हुआ? ये क्वार्टर आना है। क्वार्टर आना? हाँ जी। मतलब एक चौथाई आने का? हाँ जी। ये दमड़ी है? हाँ जी। ये कब चला करती थी अंकल जी? ये 1700 ईस्वी से पहले के है। अच्छा। मुगलों का टाइम में ये पैसा चलता था। मुगलों के टाइम में? मुगलों के टाइम। और ये कब का होगा फिर? मतलब ये भी वही है, अपना वजन के हिसाब से चलता था, छोटी दमड़ी बड़ी दमड़ी। अच्छा अच्छा। वेट के हिसाब से भी होता था। ठीक है। हाफ आना 1717 का। तो अंकल ये सिक्के, ये हनुमान जी बजरंग बली मूर्ति? हाँ जी। ये उस टाइम पे टोकन चलते थे। अच्छा। तो ये कैसे इस्तेमाल करते थे उस टाइम पे? टोकन होते थे, पूजा हेतु होते थे। पहले चांदी का सिक्का चलता था ना। 1954 का? हाँ जी। तो जॉर्ज किंग। जॉर्ज किंग। अच्छा, उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम का सिक्का है। ये चांदी का कॉइन है। ये चांदी का सिक्का है 1877 का। चांदी का सिक्का कितने देते हो अंकल जी? इसका कॉइन का रेट है 1200 रुपये। 1907 का है एडवर्ड किंग, चांदी का एक और है, ये जॉर्ज किंग का है। तो ये बताइए अंकल जी, पहला सिक्का यही था क्या जो भारत में आया था रुपये का? हाँ जी। अच्छा, ये भारतीय पहला सिक्का है रुपये का जो 1920 में आया था। 1947 में देश आजाद हुआ था ना। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब ये सिक्का था। हाँ, ये पहला गिलट का पहला सिक्का बना था। ये जो 1500 रुपये है ना जी, उस टाइम पे ये काम करते थे 1500। तो इन सब पे भगवान जी बने हुए, हनुमान जी बने हुए, ज्यादातर श्री राम जी बने हुए हैं। 1818 का सिक्का ये। हाँ, टीपू सुल्तान का है। टीपू सुल्तान का मोहर, ये मोहर है छत्रपति शिवाजी। बोले अंकल जी, उस टाइम के सारे राजा महाराजा मुगल सबके सिक्के आपके पास? कौन कौन सी कंट्री के सिक्के अंकल इसमें? इंग्लैंड के हैं, ब्रिटिश ईस्ट वो अपना स्पेन वगैरह सब हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जी जी जी, यूएस सब हैं। भाई अगर आपको कलेक्शन करने का शौक है, सिक्कों की कलेक्शन करते हो, तो भाई आपके लिए तो जन्नत होने वाली है, क्योंकि आपको ये सब सिक्के देख के मजा आ जाएगा। ये क्या चीज़ है? मेडल। मेडल है भाई। कभी भी हरिद्वार आ रहे हो, हर की पौड़ी बार, तो अंकल जी जरूर मिलकर जाना। अगर आपको सिक्कों की कलेक्शन का शौक है तो आपकी सारी कमी अंकल जी पूरी कर देंगे।